आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। ये मिनी पिज़्ज़ा जो रेसिपी है ये हम विदाउट ओवन बनाएंगे, यानी कि हम नॉनस्टिक पैन में या किसी भी पतीले में बना सकते हैं। इसके लिए आप 2 कप मैदा ले लीजिए, 1 चम्मच के बराबर चीनी बहुत होगी, 1/2 टीस्पून जो है वो आप सॉल्ट ले लीजिए, इसके अलावा 1 ही चम्मच आपने इसमें ऑयल डालना है और गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी आपने ले लेना है। अब हम डो बनाने लगे हैं, इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पूरा इसका साशे डालेंगे, इसके बाद हम चीनी, फिर नमक, और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल बस डालेंगे और इसको नीम गर्म पानी के साथ भूनना शुरू कर देंगे। फिर इसे हम मिक्स करेंगे सही से सब चीज़ों को। पानी आपने उसी हिसाब से भूनना है जिस हिसाब से डो को चाहिए होगा, और डो ज़्यादा ना तो नरम करनी है ना हमने बहुत ज़्यादा हार्ड बना लेनी है। देखें ये डो जो है हमारी रफली सी हो गई है। अब हम इसे ऑयल लगा के ना इसको रख देंगे राइज होने के लिए। जब ये राइज होना शुरू हो जाएगा उसके बाद जब दोबारा इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। पिज़्ज़ा की डो कुछ इसी शेप में होती है। ये देखें डो जो है वो राइज हो चुकी है, जितनी हमने ली थी 2 कप के हिसाब से ये बिल्कुल राइज हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है इसके साथ। और इस हमने टॉपिंग के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। चिकन है हमने फ्राई कर लिया है, इसके अंदर कोई भी आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, हमने फजीता फ्लेवर ऐड किया हुआ है। और ये सॉस है हमारे पास, अगर आपके पास सॉस नहीं अवेलेबल तो आप जो केचप होती है उसके अंदर ऑर्गेनो मिक्स कर सकते हैं तो वो भी सॉस का ही काम करेगा। ये वेजिटेबल ले लिए हमने, जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल है उसके साथ आप टॉपिंग कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक जो हमारा पैन है ये हमने पहले ही रख दिया, ये प्री हीट हो रहा है, हो चुका है प्री हीट। हमने अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा जो है वो रेडी करके रखते हैं टॉपिंग करके। ये हमने रोटी बेल ली है, अब हम इसके मिनी पिज़्ज़ा के लिए हम किसी भी सांचे से या ग्लास ले लें, आप कुछ भी ले लें उससे आप 2 इसके पिज़्ज़ा निकाल लेने हैं मिनी इस तरह। बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं और देखने में अट्रैक्टिव लगता है, स्कूल लंच टिफिन के लिए बहुत बेस्ट है ये। ये देखिए अब हम इसकी टॉपिंग करें। सकते हैं जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा हैं वो राइज हो रहे हैं, अब बस इनको 5 मिनट और लगेंगे रेडी होने में, फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हैं बिल्कुल, हमने इसको पैन से बाहर निकाल लिया है, जस्ट 15 मिनट्स में ये तैयार हो चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा जो पैन था वो पहले से प्री हीट था, ये याद रखिएगा पैन प्री हीट करके आपने रखना है। बहुत ही सॉफ्ट, आप देखें इसका स्ट्रक्चर देखिए और बिल्कुल पके हुए, अब नीचे से देखिए इसे बिल्कुल पक चुके हैं और फ्लफी हैं पिज़्ज़ा की तरह, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट आइटम है। ये है रेगुलर पिज़्ज़ा, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए थोड़ा साइज में थोड़ा अलग, सेम टॉपिंग। अब इसे हम रखेंगे अपने पैन में। पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, आप इसको घर में ट्राई करें, मिनी पिज़्ज़ा भी बनाएं और रेगुलर पिज़्ज़ा भी बनाएं। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।